हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आयोजित जो परीक्षा है OMR सीट के द्वारा होना है, तो OMR सीट का पहला पेज कैसे भरें, क्या क्या भरें, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए, ये है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, जिसका OMR सीट, ये ब्लैंक पेज है। अब इसमें क्या क्या भरना है, कहाँ पर रोल नंबर कैसे भरना है, और वो सभी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ना, हम शुरू करते हैं। देखिए, टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट लिखा हुआ है, जिसमें नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है। इसमें आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो, आप उस पेपर का नाम लिखने हैं। जैसे ये प्रीति वर्मा है, ये BA प्रथम वर्ष की छात्रा है, तो BA फर्स्ट करके लिखी है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप पर्यावरण है ना, पेपर नंबर कौन सा है फर्स्ट लिख दीजिए। कोड दिया हुआ है तो आप अपने एडमिट कार्ड से, ये है एडमिट कार्ड में कोड दिया हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ A3153, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हुआ A3153, ठीक है। फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम है ना, कौन से डेट में एग्ज़ाम हो रहा है उसको लिखना है, उस पेपर का डेट, ठीक। इसके बाद इधर आ जाइए आप लोग, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स डिटेल्स, इस पे पूरे स्टूडेंट का डिटेल्स आपको भरना रहेगा। नेम ऑफ एग्ज़ाम में आप BA प्रथम वर्ष के हैं तो BA सेकंड ईयर के हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc BCom जो भी है, जिस क्लास में आप हो उस क्लास का नाम लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट पेपर नेम ये पूछा है, तो इसमें आप कौन से सब्जेक्ट है, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण लिखेंगे है ना, और पेपर का नाम लिखना है। यदि मान लो हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य लिखेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य पेपर का नाम लिखना है, अर्वाचीन हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य जो भी है ना, वो नाम लिखेंगे। उसके बाद इधर साइन रहेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम है ना, ये अपन लिखे हैं। इसके बाद रोल नंबर बहुत बारीकी से लिखना है ना, गलती नहीं होना है, क्योंकि यदि गलती करेंगे तो इसको फिर जो है कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा और आपका जो है आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो बारीकी से रोल नंबर को लिखिएगा पूरा, देखिए। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में रोल नंबर को लिखना है, जो भी अंक में आप लिखे उसको, जैसे 2 है तो 2 है ना, 5 है तो 5 ऐसा लिखना है ना। इसके बाद रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर है ना, जिसको नामांकन क्रमांक कहते हैं, ये आप लिखिएगा पूरा, जैसे AG-20836 है ना, तो ऐसे लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये जो अब्लिक है उसको छोड़ देते हैं है ना, उसके लिए बॉक्स छोड़ते ही नहीं हैं, तो कंटिन्यू नहीं लिखना है ना, उसको भी एक बॉक्स हमें फिल करना है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है कॉलेज कोड अपन, जैसे ये भाटापारा कॉलेज से है तो भाटापारा कॉलेज का कोड है 253 है ना, और सेंटर कोड, सेंटर भी भाटापारा है इसलिए इसका सेंटर कोड भी 253 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और पूरी बारीकी से ये इधर जो भरना है, अब इसको और बहुत बारीकी से भरेंगे अपन है ना, जो भी है, जिस क्लास में है, रेगुलर है या प्राइवेट है या सुपर सेफली या आईटीकेटी वगैरह जो भी है, उसको भी यहाँ पे फिल करेंगे एग्ज़ाम टाइप में। जैसे ये रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर में ये जो है टिक लगाई है, पूरा जो गोला है उसको अच्छे से भरी है, ठीक है। इसके बाद सेमेस्टर दिए हुए हैं, अब्लिक ईयर लिखा हुआ है, तो ये BA प्रथम वर्ष की छात्रा है तो ये ईयर में है, तो BA प्रथम ईयर, तो प्रथम में ये जो है कंप्लीट इसको भरेंगे गोले को, ठीक है। इसके बाद पेपर नंबर, फर्स्ट पेपर नंबर है फर्स्ट लिखिए। फिर पेपर कोड दिया हुआ है, पेपर कोड आपके इसके पहले बताया भी था है ना, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है पेपर कोड, उसको ऊपर पहले लिख लेंगे, उसके बाद बारीकी से पूरे गोले को जो है भरेंगे। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, गोला से बाहर बिल्कुल आपका कलम जो है चलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज कोड दिया हुआ है,
कॉलेज कोड भी सेम है 253, इसको ऊपर में लिख दीजिए। उसके बाद फिर सेंटर कोड दिए हुए है, सेंटर कोड 253 है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद बारीकी से पूरे गोले को अच्छे से भरिएगा, ठीक। इसके बाद नीचे आते हैं, इसमें रोल नंबर को भी ऊपर पहले फिल कर लीजिए। उसके बाद बारीकी से एक एक गोले को जो है भरते जाइएगा। जैसे 2 है तो 2 नंबर जो यहाँ पे है उसको फिर फिल करिए, उसको भरिए अच्छे से। फिर 2, फिर 2, फिर 5, 3 जो भी है ना, उसको बारीकी से भरते जाइएगा। और अंत में बारीकी से एक बार और पूरे को जो है चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। वाइटनर वगैरह का यूज नहीं करना है, आप लोग बिल्कुल सावधानी के साथ अपने इस आंसर शीट को भरिएगा।